वेलकम टू द एयर एग्जाम की डॉट कॉम। मैं हूं प्रशांत, आपकी कॉन्ट फैकल्टी। और आज हम अपनी सीरीज में, जो हमारी लेवल वन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस सीरीज में हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन इस चैप्टर के टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CGL का हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, या रेलवे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना पूछा जाए। वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो, यदि इसकी में क्वांट पूछी जा रही है तो आपसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होगा ही होगा, कंपलसरी। ठीक है, तो आज हम इसमें सिर्फ लेवल वन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो। ठीक है, इस लेवल वन के क्वेश्चन से होगा क्या, आपको जो बेसिक कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, वो थोड़ा सा क्लियर होगा, और उसके बाद जब लेवल टू पे बढ़ रहे होगे तो आप उन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होगे, तो आपको बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना और सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर अलोन कैन कंप्लीट 12-15 डेज। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं, सीधे सीधे आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। लिखा है पी क्यू आर, तो 12, ये 15 और ये 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क टुगेदर टू कम्प्लीट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। CHSL 22 मार्च 2018 को पूछा गया है, शिफ्ट वन में। ठीक है, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो आपको सीधे क्या करना होता है, यहाँ पर कोई ऐसा वर्क मानना होता है, कोई भी ऐसा वर्क मानना होता है जिन तीनों से डिवाइड होता हो। तो कौन सा नंबर होगा 12, 15, 20 से डिवाइड होने वाला, 60। तो हमने वर्क माना कि 60 टॉयज बनाने हैं, 60 खिलौने बनाने हैं। ठीक है, देखिए बहुत से आंसर दिया है प्रीति कुमारी जी ने, 10 आंसर दिया है। ठीक है, देखिए लेकिन 10 और अच्छा लास्ट क्वेश्चन आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी क्वेश्चन आंसर दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 10। ठीक है, क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सा बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन आंसर था आपका 10। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करते रहे। ठीक है, अब ये क्या है, टोटल वर्क कितना है आपका, 60 वर्क मान लिया आपने। ठीक है, टोटल वर्क कितना मान लिया आपने, 60 मान लिया। अभी आपने 12 दिन में 60 वर्क करता तो एक दिन में कितना करता होगा, 5 वर्क। यदि ये 15 दिन में 60 खिलौने तो एक दिन में कितने करता होगा, 4। यदि ये 20 दिन में 60 खिलौने तो एक दिन में कितने करता होगा, 3। तो ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, वन डे का वर्क होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा वन डे का वर्क है। इसी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। इस बार प्रीति कुमारी जी ने आंसर दिया है 12। ठीक है, आंसर दिया है 12, लेकिन 12 अभी कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए यहाँ कितना है टोटल वर्क, कितना टोटल वर्क है 60। अब काम कौन करेगा, कह रहे सबकी सब काम करेंगे, विल दे टुगेदर कंप्लीट। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 + 3 कितना आ जाएगा, ये 12। ये 12 तो इनकी क्या आ गई, सिर्फ एफिशिएंसी आ गई 12। तीनों लोगों की एफिशिएंसी, तीनों लोग एक दिन में काम करें तो कितना आ जाएगा, 12। लेकिन पूछ रहा है कि इस पूरे काम को कितने दिन करेंगे। ठीक है, तो आपको जब टाइम निकालना है तो आपको 60 वर्क है और एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। तो टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने के, 5 दिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 5 डेज। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन होगा, सही आंसर है 5 डेज। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ होगा। इसी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो इस क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जरा आंसर कितना आएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा एग्जाम में, आपको सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ए बी एंड सी 10, 20, 60 डेज में कंप्लीट करते हैं, आपने लिखा 10, 20 और 60। पूछा गया CHSL टीयर 1 4 जुलाई 2019। ठीक है, लास्ट ईयर ही पूछा गया। कह रहा वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो देखिए सबसे पहले आपने को वर्क मानना है, तो वर्क इस बार आपने कितना माना है, फिर से 60, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। अच्छा देख लेते हैं, 10 से डिवाइड करने कितना आएगा, यदि हमने मान लिया 60 खिलौने बनाने हैं, 60 टॉयज बनाने हैं, तो 10 डेज में यदि 60 टॉयज बनते हैं तो वन डे में कितने बनने होंगे, 6। ये 20 के हिसाब से कितने बनने होंगे, 3, और ये कितना, 1। तो हम कह सकते हैं ये कितना है, हमारा वन डे का वर्क है, और यही इसी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, सोनिया शर्मा जी ने आंसर दिया है 6। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है, 6 + 3 + 1 ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 और 3 9 1 कितना हो जाएगा, 10। एक दिन में काम कितना होता है, 10 होता है। तो हमें पूछना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे पूरा वर्क, टोटल वर्क कितना है, 60। अभी आपको सिखाया गया था टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, 60 डिवाइड टोटल वर्क अपॉन
टोटल टाइम 60/10 कितना हो जाएगा 6। प्रीति कुमारी जी ने भी सही आंसर दिया है 6, तो आंसर क्या होगा सेकेंड ऑप्शन 6 डेज। इसका मतलब सीख गए हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इतनी जल्दी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मैन वर्किंग 12 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज, देन वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। क्वेश्चन पूछा गया CHSL 10 जुलाई 2019। ये जब पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं बेस्ड क्वेश्चन है जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। ध्यान रखिएगा ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आप सीख रहे हैं इसलिए बताया जा रहा है, बाकी आपको लिखना है, आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको देखिए कहीं पर ये लिखा है कि सेम वर्क की बात की गई क्या, आपसे कहा गया 16 वर्किंग 12 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट द वर्क इन 27, देन वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे कैन 12 आवर्स कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। वर्क तो अलग अलग नहीं है तो यहाँ पर आपने लगा W1 W2 के कोई भी यूज नहीं है, तो मैन कितने हैं 16 है, डेज आपसे दिए गए 27, आवर्स कितने हैं आपके 12। सोनिया शर्मा जी ने आंसर दिया है 12, ठीक है चेक कर लेते एक बार। M2 मतलब नंबर ऑफ मैन आपसे पूछ दिए गए कितना 18 मैन, तो आपने पुट किया इतना 18 डेज, इस बार आपको 24, अब आपसे पूछा गया क्या H2 की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं, 6 से 12 से कितना 2 टाइम्स, ये जो 2 से करने कितना 8 टाइम्स, ठीक है 9 से कर सकते हैं 2 और ये 3, 2 से ज़्यादा है कितना 4, तो आवर्स जो है कितने आया 4 × 3 कितना आंसर आया आपका 12, ठीक है बिल्कुल सही आंसर था, कितना आंसर आया 12, डी ऑप्शन है, एग्जाम पूछा है CHSL 10 जुलाई 2019। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मूव करते हैं, देखिए फिर से उसी कंसेप्ट क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन में देखा है ई एफ जी कैन कंप्लीट 12 डेज, ई एफ और जी तीनों मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इफ ई एंड एफ टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। और जो ई और एफ हैं, ई और एफ हैं वो 30 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज कैन जी अलोन कंप्लीट द वर्क। एग्जाम पूछा गया MTS में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपसे ई एफ जी का टोटल दे रखा है, ई और एफ का दे रखा है, आपसे पूछा है कि जी कितने दिन, सबसे पहले वर्क मानना है, वर्क कितना हो जाएगा हमारा, वर्क मान लिया हमने 60, तो ये कितना एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और ये कितनी 2। अच्छा ई और एफ जी तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास 5, और ई और एफ की जो एफिशिएंसी आई वो 2, तो ऑब्वियसली बात है जी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, क्योंकि सोनिया शर्मा जी ने आंसर दिया है 20, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है तो हम नंबर ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। प्रीति कुमारी जी ने भी आंसर दिया है 20, टोटल वर्क कितना होगा 60/3 कितना होगा 20 डेज, ये आपका सही आंसर है बिल्कुल 20 डेज। सीख गए होंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, MTS के लेवल 10th लेवल का एग्जाम होता है, आसान सही का क्वेश्चन होता है, ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन कौन चल रहे हैं लेवल वन के। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज, बी जो है वो 25 डेज में कंप्लीट करता है, दे वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं, जहां पर अभी आपको यह आफ्टर वर्ड दिखाई दे, ये आफ्टर वर्ड दिखाई दे, लेफ्ट वर्ड दिखाई दे, लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले वर्क माना आपने, तो वर्क कितना हो गया 50, सॉरी वर्क मान लीजिए आप कितना, वर्क माने आपना कितना 100, ठीक है। और देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि यदि आपने 50 माना है या 1 माना है या 2 माना है या 4 माना है, आंसर कभी भी किसी भी नंबर से आ जाए एग्जाम, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक क्वांट जो सब्जेक्ट होती है या मैथ जो सब्जेक्ट होती है जहाँ चीज़ें मानी जाती हैं, यहाँ पर कुछ भी लेट कर लिया जाए आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ कैलकुलेशन इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने वर्क मान लिया कितना 100, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना 4। अब आपको जहाँ पर भी आफ्टर 5 डेज दिखाई दे, आपको देखना है किसने छोड़ा है, बी ने,
तो बी का एक दिन में कितना काम है, चार, तो 5 दिन का कितना होगा, 20। तो बस सीधे माइनस कर दीजिए, टोटल वर्क में से आपने क्या किया, टोटल वर्क 100 था, जिस पर्सन छोड़ गया, बी छोड़कर गए कितने दिन बाद, 5 दिन, बी का एक दिन का काम कितना है, चार, तो 5 दिन कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, ये माइनस कर दिए 80। अब जिसका वर्क माइनस कर दिया है उसकी एफिशिएंसी बैठा दीजिए, अब बचा है टोटल वर्क 80 बचा है, और कौन पर्सन बचा है, ए, जो 80 वर्क इसने किया होगा, ए ने, तो 5 से डिवाइड कर दिया, आपका रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, आपका फाइनल कितना आ जाएगा, 16 डेज। ये आपका क्या होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा 16। ये पूछा गया है CGL 3rd March 2020 में थर्ड शिफ्ट में, अभी जो एग्जाम हुआ था रिसेंट 2020 में उसी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हीं अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए आप इस सीरीज में जुड़े रहिए, ठीक है, और पढ़ते ही लेवल वन सीरीज, जैसे ही लेवल वन सीरीज कंप्लीट होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद बढ़ रहे होंगे लेवल 2 पर और एडवांस लेवल पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास।